Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. I am Urvi from Jadavpur University and I make videos related to JEE and the competitive exams. आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं WBJEE एग्जाम के बारे में और हर एक डिटेल डिस्कस करेंगे हम लोग इस एग्जाम से रिलेटेड. तुम लोग के जितने भी डाउट्स हैं इस एग्जाम से रिलेटेड आज का वीडियो देखने के बाद तुम्हारे सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे. सो इसीलिए आज का वीडियो एंड तक देखना. WBJEE वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू तुम लोग वेस्ट बंगाल के अंदर जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस आते हैं उसमें एडमिशन ले सकते हो. WBJEE का जो सिलेबस है वो एज इट इज़ JEE मेन के सिलेबस के इक्वल है. काफ़ी सारे बच्चों को डाउट होता है कि WBJEE का सिलेबस और JEE मेन का सिलेबस अलग अलग होगा बिकॉज JEE मेन का जो एग्ज़ाम है वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है और जो WBJEE का एग्ज़ाम है वो एक स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम है. लेकिन ऐसा नहीं है, जो WBJEE का सिलेबस है वो पूरा सेम है JEE मेन के सिलेबस के. तो अगर तुम तैयारी कर रहे हो JEE मेन एग्ज़ाम की तो तुम ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाते हो WBJEE एग्ज़ाम के लिए. अब आते हैं WBJEE के पेपर पैटर्न के ऊपर. तो WBJEE में दो पेपर होते हैं, पेपर वन और पेपर टू. पेपर वन जो है वो 11 बजे से लेके 1 बजे तक होता है और जिसमें कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं. टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं मैथ से और उसको सॉल्व करने के लिए तुमको 2 घंटे दिए जाते हैं. 1 बजे तक तुम्हारे पास टाइम होता है उनको सॉल्व करने के लिए. उसके बाद 1 आवर का ब्रेक दिया जाता है और उसके बाद उसी सेंटर पे तुम्हारा पेपर टू का एग्जामिनेशन होता है. पेपर टू में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन होता है और जिसमें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं. मतलब कि फिजिक्स में 40 क्वेश्चंस और केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चंस. फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री वाले पेपर को सॉल्व करने के लिए भी तुम्हें सिर्फ 2 घंटे दिए जाते हैं. टोटल 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं हर एक सब्जेक्ट में, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3. कैटेगरी 1 में जितने क्वेश्चंस होते हैं हर क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो 1 मार्क्स होता है और अगर उसमें नेगेटिव होता है तो वो 0.25 मार्क्स नेगेटिव होता है. मतलब कि 1/4 ऑफ टोटल मार्क्स तुम्हारा नेगेटिव हो जाता है अगर तुम उस क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करते हो तो. कैटेगरी 2 का जो मार्क्स होता है वो होता है 2 मार्क्स पर क्वेश्चन. अगर वो क्वेश्चन तुम्हारा गलत होता है तो 0.5 मार्क्स तुम्हारा नेगेटिव जाएगा. और आते हैं कैटेगरी 3 के क्वेश्चंस के ऊपर. कैटेगरी 3 में मल्टीपल करेक्ट वाले आंसर्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सेम एज की JEE एडवांस में पूछा जाता है. उसमें तुम्हारे एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं. लेकिन इन केस अगर तुमने उसमें से कोई भी आंसर गलत मार्क कर दिया तो तुम्हारे 0 नेगेटिव होते हैं और अगर तुमने सही मार्क किया तो जितने ऑप्शंस तुमने सही मार्क किए हैं उसके अकॉर्डिंग तुमको मार्क्स दिए जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें 2 करेक्ट ऑप्शंस है आउट ऑफ 4, अगर तुमने उसमें से दोनों में से दोनों करेक्ट मार्क कर दिए तो तुमको टोटल फुल मार्क्स मिलेंगे जो कि है 2 मार्क्स. अगर तुमने उसमें से एक ही करेक्ट मार्क किया तो तुमको 1 मार्क्स मिलेगा. अगर तुमने 0 करेक्ट मार्क किया तो तुमको 0 मार्क्स मिलेगा. आई होप कि तुमको कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के क्वेश्चंस के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा. WBJEE का जो एग्ज़ाम है वो कौन कौन अटेम्प्ट कर सकता है? अब काफ़ी सारे बच्चों को इस बात को लेके मन में डाउट होता है कि WBJEE का एग्ज़ाम सिर्फ वेस्ट बंगाल के बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं है, WBJEE का एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया में कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है. लेकिन जो WBJEE एग्ज़ाम का सेंटर है वो सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है. ऐसा नहीं होता कि JEE मेन जैसे या फिर अदर कॉम्पिटिटिव्स जैसे कि उसका सेंटर हर एक जगह पे अवेलेबल होगा. मतलब कि ऑल ओवर इंडिया उसके सेंटर्स होंगे. WBJEE एग्ज़ाम के सेंटर्स सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही पड़ते हैं, चाहे तुम वेस्ट बंगाल से हो या फिर तुम किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो. और WBJEE एग्ज़ाम को कोई भी बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है और WBJEE के थ्रू जो कॉलेजेस मिलते हैं उसमें एडमिशन ले सकता है, लीविंग फ्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस जिसमें कि अदर स्टेट कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं किया जाता. बट सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में क्या अदर स्टेट के बच्चे अलाउड हैं? तो येस, ऑब्वियसली 90% वहाँ पर रिजर्वेशन है वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स के लिए और जो रिमेनिंग 10% सीट्स है वो रिजर्व्ड है अदर स्टेट के बच्चों के लिए. तो आई होप कि तुमको क्लियर होगा कि वेस्ट बंगाल का जो एग्जामिनेशन है वो कौन कौन अटेम्प्ट कर सकता है और जो उसका सेंटर है वो सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही आता है. तो यही है जितने भी बातें मेरे को तुमको बतानी थी WBJEE से रिलेटेड. अगर अभी भी कोई डाउट रिमेनिंग है WBJEE से रिलेटेड तो तुम मुझे यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो. हालांकि मैंने सब कुछ कवर कर दिया है WBJEE एग्ज़ाम के बारे में. अगर तुमको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना. अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो. टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहो. बाय बाय.